नमस्कार, मैं हूं शिवानी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मौसम से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए आप बिहार वेदर यूट्यूब चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक नज़र सुर्खियों पर। IBPS ने 6,432 पदों पर निकाली बंपर भर्तियां। बिहार झारखंड सहित यूपी के बीच बस से यात्रा करना अब और भी होगा आसान। 21 NH प्रोजेक्ट पर जल्द काम होगा शुरू। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से 6 शिक्षक हुए शॉर्टलिस्ट। सूर्या पहुंचे नंबर 2 पर, बाबर आजम से बस 2 अंक हैं पीछे। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IBPS ने 6,432 पदों पर निकाली बंपर भर्तियां। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल मिलाकर 6,432 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए IBPS CRPPO या MT-12 एग्जामिनेशन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 22 अगस्त 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। विदेशों में काम करने के इच्छुक लोगों की मदद करेगी बिहार सरकार। विदेशों में काम करने वाले इच्छुक लोगों की मदद अब बिहार सरकार करने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के वैसे लोग जो विदेशों में जाकर काम करने के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों की मदद बिहार का श्रम संसाधन विभाग करेगा। श्रम संसाधन विभाग ने अपने अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। साथ ही मजदूरों की निगरानी और उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाने में सहायता के लिए विभाग नोडल अधिकारी बनाया है। मजदूरों की सुविधा के लिए अगले 3 माह के भीतर एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, बिहार से विदेशों में रोजगार के लिए जाने के इच्छुक आवेदन अपने जिले के न्यूज नाले में करा सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शारदा सिन्हा की। शारदा सिन्हा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के मिथिला क्षेत्र में सुपौल जिले में हुआ था। पढ़ाई के समय से ही उनका गायन की ओर रुझान बढ़ गया। पढ़ाई के दौरान ही वह अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में मिथिला लोकगीत गाने लगी थी। कुछ ही समय में उनकी प्रसिद्धि अपने क्षेत्र से बाहर जाने लगी और आस पड़ोस के शहरों, फिर जिलों और फिर दूसरे राज्यों में उन्हें गायकी के लिए बुलावे आने लगे। इसी दौरान उनका बिहार की मशहूर छठ पूजा के लिए गाया गया गाना पहले पहल हम कैनी छठ काफ़ी मशहूर हुआ। शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड के लिए कई गाने भी गाए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी धुरी नहीं छोड़ी। वह लगातार लोक गायन में सक्रिय रहीं। इसी वजह से उन्हें 2018 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था, जबकि साल 1995 में ही उन्हें पद्मश्री बना दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से 6 शिक्षक हुए शॉर्टलिस्ट। बिहार के लिए ये गर्व का क्षण है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से 6 शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं सभी शिक्षकों को नेशनल ज्यूरी के समक्ष गूगल मीट के माध्यम से प्रेजेंटेशन देना होगा। ऐसे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला से संबंधित शिक्षक को 5 अगस्त की शाम में ही शिक्षा विभाग के मुख्यालय पहुँचाना सुनिश्चित करें। जिन शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें आदर्श कन्या +2 स्कूल रामगढ़ भभुआ के प्रभारी प्रधान शिक्षक अनिल कुमार सिंह, बीवी राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारण के शिक्षक नसीम अख्तर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय माधोपट्टी दरभंगा के शिक्षक रवि रोशन कुमार, मध्य विद्यालय चांदमारी कन्या मोतिहारी के प्रभारी प्रधान शिक्षक ममता पांडे, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज के शिक्षक सौरभ सुमन और महादेव उच्च विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका निशा कुमारी शामिल है। इन स्टेशनों के बीच आज से चलाई जा रही 3 जोड़ी ट्रेनें। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, गया झाझा व गया कियूल के बीच आज से कुल 3 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि आज से 3 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल किया जा रहा है।
जिसमें गाड़ी संख्या 03386 गया झाझा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन बुधवार से शुरू हो चुका है। प्रतिदिन परिचालन किया जाएगा। इसके बाद गाड़ी संख्या 03389 गया क्यूल पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 4 अगस्त यानी आज से शुरू किया जाएगा। वहीं तीसरी गाड़ी संख्या 03394 गया क्यूल पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन बुधवार 3 अगस्त से शुरू हो चुका है। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। BPSC ने जारी किया 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने बीते दिन देर शाम आखिरकार 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, जहां वैशाली के सुधीर कुमार ने पहला स्थान हासिल किया, अरवल के अमृत कुमार आदर्श सेकेंड टॉपर बने, वहीं मुजफ्फरपुर के आयुष कृष्णा थर्ड टॉपर बनकर पूरे बिहार में छा गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंतिम परिणाम में कुल 685 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। इनमें 25 दिव्यांग एवं 13 स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित भी शामिल हैं। वहीं 689 पदों में मुख बधिर प्रकृति के 4 अभ्यर्थी के नहीं मिलने के कारण 4 पद खाली रह गए हैं। विशेष जानकारी और परीक्षा फल की प्राप्ति के लिए आप BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जरूर विजिट करें। बिहार झारखंड सहित यूपी के बीच बस से यात्रा करना अब और भी होगा आसान। बिहार से झारखंड और यूपी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार झारखंड सहित उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश में अब बिहार से बसों का परिचालन जल्द ही शुरू होने वाला है। बिहार से झारखंड और यूपी के 27 नए रूटों पर बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके अलावा बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच भी कई रूटों पर भी PPP मोड के तहत नई बसें चलेंगी। इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने वाहन मालिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त निर्धारित की गई है। आपको बताते चले कि बिहार झारखंड और बिहार उत्तर प्रदेश रूट के लिए प्रति बस ₹20,000 देने होंगे। 21 NH प्रोजेक्ट पर जल्द काम होगा शुरू। बिहार के दौरे पर INHAI के अध्यक्ष ने बिहार में शुरू होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें कहा गया है कि बिहार में अब जल्द ही नेशनल हाईवे के 21 प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत राज्य में करीब 1500 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। इनमें 3 एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग की 21 में से 6 परियोजनाओं का टेंडर जारी हो चुका है। बाकी का टेंडर जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और महज 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी PR अभी बन रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी इन परियोजनाओं का विभागीय स्तर का काम पूरा कर लिया जाएगा। अगले साल इस पर ग्राउंड वर्क शुरू हो जाएगा। इन परियोजनाओं में अधिकतर नई सड़क शामिल हैं। इनके बनने के बाद बिहार के कई जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा। कोरोना नेगेटिव आते ही मुख्यमंत्री दिखे एक्शन में। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री एक्शन में दिखे और बाढ़ और सूखाग्रस्त इलाकों के मुआयने पर निकल पड़े। बीते दिन मुख्यमंत्री हफ्ते बाद अपने आवास से बाहर निकले और अटल पथ होते हुए JP सेतु तक गए। यहां से हुए गंगा मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ से उन्होंने जलस्तर का जायजा लिया, जिसके बाद CM नीतीश ने PMCH के पास से गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का भी मुआयना किया। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा मौजूद थे। इस निरीक्षण के दौरान CM नीतीश ने गंगा नदी और उसके आसपास के दियारा वाले इलाकों की स्थिति को देखा और इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश कई जिलों में बारिश तो कई जिलों में सुखाड़ जैसे हालात हैं। मौसम की इन परिस्थितियों के बीच पटना मौसम केंद्र ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जिन जिलों में सूखे जैसे हालात हैं उन जिलों में बारिश से लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन किसानों के लिए यह संकट का समय, क्योंकि इस समय किसानों को मूसलाधार बारिश की जरूरत है, तभी उनकी खरीफ फसलों में एक बार फिर से जान आ पाएगी। गुरुवार को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि पश्चिम चंपारण और किशनगंज के जिले में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही उत्तर पश्चिम के जिलों में और दक्षिण पूर्व को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना जताई गई है। कोटेश्वरनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के गया जिला स्थित बेलागंज प्रखंड के मेन गांव में मोरहर और दरगाह नदी के संगम पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर बाबा कोटेश्वरनाथ धाम, जो आस्था का केंद्र है, जहां सहस्त्रलिंगी महादेव कोटेश्वरनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। यहां अवस्थित सहस्त्रलिंगी महादेव और पीपल का वृक्ष अपनी महिमा और ख्याति से श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। पर्यटक बाबा कोटेश्वरनाथ मंदिर के सहस्त्रलिंगी
करेंगे, शिवलिंग का दर्शन कर सुखद एहसास करते हैं। यह पौराणिक शिव मंदिर धर्म और संस्कृति के ख्याल से बिहार का एक गौरवशाली धरोहर माना जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यहाँ मौजूद शिवलिंग 5वीं और 6वीं शताब्दी के होने का अनुमान है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहाँ राक्षस वानासुर की बेटी उषा को भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम हुआ था, जिसका विवाह स्वयंभू भगवान शिव ने ही कराया था। उषा भगवान शिव की आराधना नित्य करती थी। उषा की आराधना के फलस्वरूप ही भगवान शिव को ऐसा करना पड़ा था। मालगाड़ी की 5 बोगियां हुई बेपटरी। बीते दिन एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। फतुहा इस्लामपुर रेलखंड पर एकंगसराय रेलवे स्टेशन के समीप बुधवार को झारखंड से कोयला लोड कर दनियावा जा रही मालगाड़ी की 9 बोगियां बेपटरी होकर पलट गई। बोगियों के बेपटरी होने पर तेज आवाज हुई, जिससे ग्रामीण डर गए। हालांकि चालक को घटना का पता नहीं चला। कुछ दूर जाने के बाद चालक को घटना की भनक लगी, तब इंजन में ब्रेक लगाया गया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सभी बोगी में कोयला लोड है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं चालक और गार्ड गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। घटना का कारण पटरी धंसना बताया जा रहा है। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान। शिक्षक बहाली को लेकर इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसको लेकर कहा है कि शिक्षक बहाली का 7वां चरण का बहाली प्रक्रिया अगले महीने यानी सितंबर 2022 से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 6ठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया इस महीने के आखिर तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद 7वें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा चरण खत्म होने के बाद सभी जिलों से स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों की सूची जाएगी। रिक्त पदों के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। बता दें कि राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया इसी महीने पूरी होनी है। भोजपुरी की दूसरी ओरिजिनल वेब सीरीज जल्द होगी रिलीज। भोजपुरी की पहली वेब सीरीज प्रपंच ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल पर रिलीज होने के बाद अब एक और ओरिजिनल वेब सीरीज लंका में डंका रिलीज होने जा रही है। बीते दिन बुधवार को पटना के होटल पनाह में इसका प्रमोशन किया गया। आपको बता दें कि इस वेब सीरीज में रितेश पांडे और प्रियंका रेवड़ी एक साथ दिखेंगे, जिन्होंने पटना में प्रमोशनल इवेंट के दौरान लोगों से इस सीरीज को देखने की अपील की। वेब सीरीज के रिलीज की बात करें तो इसे 7 अगस्त को 6 बजे चौपाल ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगे राज्यपाल वापस जाओ के नारे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के साथ बीते दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। दरअसल बीएन मंडल विश्वविद्यालय में 4थे दीक्षा समारोह में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल फागू चौहान के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद लोगों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया। दीप प्रज्वलन के बाद सम्मान आदि का कार्यक्रम 12:30 बजे से शुरू हुआ। इसके बाद उनका भाषण शुरू हुआ। 2:30 बजे अचानक भीड़ से राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगने शुरू हो गए। काफी देर तक वहां नारेबाजी हुई, खूब अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने वहां कर मामला शांत कराया। हालांकि कौन लोग नारेबाजी कर रहे थे इसकी पहचान की जा रही है। किस संगठन से जुड़े थे या विश्वविद्यालय से अधिकारी कर्मचारी थे इसका अभी पता नहीं चल पाया है। जल संसाधन मंत्री ने बेड़ा बराज का काम इस दिन तक पूरा करने का दिया निर्देश। बेड़ा बराज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और 15 अगस्त तक इसे पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बीते दिन पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड में बेड़ा ग्राम के निकट दरधा नदी पर नवनिर्मित बेड़ा बराज और पइन के पुनर्स्थापन कार्य का स्थल निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आपको बता दें कि बेड़ा बराज का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। जल संसाधन मंत्री ने निरीक्षण के दौरान बराज को लोकार्पण के लिए 15 अगस्त से पहले पूरी तरह तैयार करने लेने की सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बेड़ा बराज के लोकार्पण हो जाने के बाद इस महत्वपूर्ण सिंचाई योजना से मसौढ़ी प्रखंड के बेदरी बिघा, बिलैठा बेरा, गिल्हा बिघा, नदौल, बहादुर बिघा, रेमन, जेलल बिघा, सगुनी पकड़ी, शेखपुरा, गुलरिया बिघा एवं बोरनी आदि ग्रामों में लगभग 3,187 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। कोसी और गंडक की उफान से गहराया खतरा। नेपाल में लगातार हो रही वर्षा के कारण बिहार की नदियों में उफान है, इससे बाढ़ का खतरा गहरा गया है। कोसी, गंडक और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो पटना में गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट पर है। कोसी नदी में जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने के कारण सुपौल के वीरपुर बराज के 56 में से 35 फाटक खोल दिए गए। बीते दिन शाम 4 बजे तक बराज से 2,30,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं शाम 5 बजे तक 2,43,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं वाल्मीकि बराज से लगातार 3,00,000 क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। देर रात यह 3.17 लाख क्यूसेक हो गया था। इससे गोपालगंज में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर। बिहार के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को गन्ने का भाव 305 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले अगले खरीद वर्ष के लिए गन्ने का भाव 15 रुपए बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। कैबिनेट बैठक में गन्ने की FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि FRP वह न्यूनतम रेट होता है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। महागठबंधन के प्रतिरोध मार्च पर BJP का हमला। जनसरोकार के मुद्दे पर महागठबंधन 7 अगस्त को बिहार में महागठबंधन प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहा है। इसकी तैयारी में महागठबंधन के नेता जुटे हुए हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और केंद्र की अग्निवीर योजना के साथ ही और भी कई मुद्दों को लेकर प्रतिरोध मार्च नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली जाएगी। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। BJP के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव सभी मोर्चा पर फेल होते जा रहे हैं। इस पर प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव पढ़ाई में फेल रहे, क्रिकेट में भी फेल हुए और राजनीति में भी फेल हुए हैं। अब केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहे हैं, उसमें भी वह फेल होंगे। जिस तरह की राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसमें कभी भी वह पास नहीं होने वाले हैं। अक्टूबर में होगी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। राजद में सांगठनिक चुनाव होना है जिसकी प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने बताया कि चुनाव के लिए आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली एवं कैंप कार्यालय पटना सहित सभी राज्य कार्यालयों में सदस्यों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। 16 अगस्त से 21 अगस्त के बीच प्राथमिक बूथ इकाई, 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच पंचायत कमेटी एवं प्रखंड डेलीगेट का चुनाव किया जाएगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच प्रखंड इकाइयों एवं जिला डेलीगेटों का चुनाव और 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच जिला इकाइयों एवं राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। वहीं 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बस 3 स्टेप्स में पता करें ट्रिप पर जाने में कितना लगेगा टोल टैक्स। अगर आप भी ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो भी अपनी गाड़ी से बाई रोड, तो यह खबर आपके लिए है। अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि ट्रिप के दौरान आपको कुल कितना टोल टैक्स भरना पड़ेगा, तो इसकी जानकारी आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल गूगल मैप्स में आपको अनुमानित टोल राशि जानने की सुविधा देता है। इस खास फीचर की बदौलत आप टोल टैक्स के हिसाब से अपनी ट्रिप का बजट प्लान कर सकते हैं। गूगल मैप्स ने दावा किया है कि यदि उपयोगकर्ता किसी विशेष टोल रोड पर चल रहे हैं तो इस खास फीचर की बदौलत वो ये देख पाएंगे कि उन्हें कितना टोल भरना पड़ेगा। इस फीचर को कैसे यूज करते हैं हम आपको स्टेप्स बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप अपने फोन में गूगल मैप ऐप ओपन करें। अब अपनी स्टार्ट और एंड डेस्टिनेशन सेट करें। इसके बाद किलोमीटर के ठीक बगल में दिख रहे इस ऑप्शन को क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको कुल टोल की कीमत मिल जाती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत शासन अधिनियम 1935 को महारानी की स्वीकृति मिली। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा में 1956 को शुरू हुआ। नासा में 2004 में एल्टेक्स सुपर कंप्यूटर KC को कल्पना चावला नाम दिया गया। सरकार ने 2008 में भारतीय जहाजरानी निगम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। मेवाड़ के प्रशासक और महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह का जन्म 1522 ईस्वी को हुआ था। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मराठा वीर सदाशिवराव भाऊ का जन्म 4 अगस्त 1730 ईस्वी को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय वकील और सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज शाह मेरवान जी मेहता का जन्म 1845 को हुआ था। अभिनेता, गायक, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 1929 को हुआ था। साहित्यकार इंदु प्रकाश पांडे का जन्म 1924 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर नरेंद्र तमहानी का जन्म 1931 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल का निधन 1937 को हुआ था। सूर्या पहुंचे नंबर 2 पर, बाबर आजम से बस 2 अंक हैं पीछे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने ICC की ताजा T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में 2 स्थानों की छलांग लगाई है और नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। नंबर 1 पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का नाम है। दिलचस्प बात यह है कि बाबर आजम और सूर्य कुमार यादव के बीच बस 2 रेटिंग पॉइंट्स का फासला है। सूर्य कुमार यादव ने ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और एडन मार्करम को पीछे छोड़ दिया है। वह नंबर 4 से नंबर 2 पर पहुंचे हैं। बाबर आजम के 818 रेटिंग पॉइंट्स हैं जबकि सूर्या 816 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर पहुंचे हैं। ICC रैंकिंग्स में टॉप 10 में सूर्य कुमार यादव इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। ईशान किशन 14वें स्थान पर हैं जबकि कप्तान रोहित शर्मा 16वें स्थान पर हैं।
उप मुख्यमंत्री ने कहा, पशुपालन क्षेत्र के विकास को सरकार तत्पर। बिहार सरकार पशुपालकों के जीवन में खुशहाली एवं उन्हें बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से एक योजना की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पशुपालन क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है और तत्पर है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य की योजना के तहत पशु चिकित्सालय, औषधालय और कार्यालय भवनों के बहतर रखरखाव के लिए 7,32,00,000 की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। वर्ष 2022-23 में लगभग 350 पशु चिकित्सालयों और औषधालय और कार्यालय भवनों का बेहतर ढंग से रखरखाव का कार्य हो रहा है। जीएसटी बढ़ने से घट गए कॉपियों में पन्ने, छोटी हो गई पेंसिल। 12-18% जीएसटी बढ़ने की वजह से स्टेशनरी वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। अगर छोटी सी पेंसिल की बात करें तो 5 रुपये में मिलने वाले पेंसिल के दाम में सीधे 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद मूल्य 7 रुपये हो गया है। साथ ही पेंसिल का साइज भी छोटा हो गया है। पेंसिल नहीं, कॉपियों में पन्ने भी कम हो गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि 12-18% जीएसटी लगने की वजह से स्टेशनरी प्रोडक्ट के रेट में इजाफा हुआ है। इससे बाजार पर भी असर पड़ा है। नए सत्र में बच्चे लिमिटेड प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, पुरुषोत्तम कुमार, समीर सिख, रामनवमी मांझी, ओमकार सिंह, यादव भाई, सिद्धार्थ कुमार, सुचित कुमार और सौरभ मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधा से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।